जी न्यूज पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। और हम बताना चाहेंगे आज वैक्सीन कहां पर लगनी है और कौन कौन से सेंटरों पर लगनी है। और बात करते हैं सर, आज वैक्सीन कहां कहां पर लगनी है? आज वैक्सीन हमारे राजकीय चिकित्सालय में लग रही है। तीन तरह की वैक्सीन लग रही है यहां पर राजकीय चिकित्सालय में। कौन कौन सी? 18 प्लस और 45 प्लस एवं कोवैक्सीन सेकेंड डोज, तीन काउंटर लगे हुए हैं। और ये 9 बजे से 5 बजे तक? हाँ, 9 से 5 बजे तक है। और दूसरा सेंटर? इसके बाद उदयपुर शहरी चिकित्सालय पे है, वहाँ दो तरह की वैक्सीन लग रही है, 45 प्लस और 18 प्लस। इसके बावजूद एक सेशन पंचायत समिति परिसर में भी लगा हुआ है 18 प्लस वाला, एक सेशन अग्रवाल धर्मशाला में भी लगा हुआ है। अग्रवाल धर्मशाला में कौन सा लगा हुआ है? 18 प्लस वाला। 18 प्लस वाला, हाँ। और पंचायत समिति में भी 18 प्लस वाला। और आज किराना व्यापारियों की भी लगी? किराना व्यापारियों, डीलर वगैरह या जो भी है, सबके लिए। उनकी किस तरह से नियम क्या होगा उनका? उनका नियम यहाँ तक किसी ने आईडी भी जनरेट करा, ठीक है, आधार कार्ड ले जाओ या मोबाइल नंबर ले जाओ, रजिस्टर में एंट्री करके बाद में वो करा देंगे, लगेगी सबके वक्त वहाँ पर अग्रवाल धर्मशाला में। हाँ, किसी ने सलोट ले रखा है, सलोट भी ठीक है, सलोट नहीं है तब भी लगेगा। और गंगापुर सिटी में कुल कितने सेंटर हैं? गंगापुर सिटी में है आज कुल 4 सेंटर हैं। 4 सेंटरों पर लगाई जा रही है? 4 सेंटर। एक बार दोबारा से और दोहरा रहे, गंगापुर सिटी अपने पीएमओ सब उप जिला चिकित्सालय में लग रही है। तीन तरह की वैक्सीन लग रही है, 18 प्लस एवं 45 प्लस व कोवैक्सीन सेकेंड डोज जी। इसके बाद शहरी चिकित्सालय उदय मोड़ पर दो तरह की वैक्सीन लग रही है, 18 प्लस एवं 45 प्लस। इसके बाद पंचायत समिति परिसर में भी लग रही है 18 प्लस एवं अग्रवाल धर्मशाला में भी 18 प्लस। और ये व्यापारी इनकी और इनकी वो लग रही है वो? हाँ, व्यापारी वगैरह, दुकानदार, किराना स्टोर, ये सभी की लग रही है पंचायत समिति ने। हाँ, पंचायत समिति और अग्रवाल धर्मशाला। दोस्तों, हम आपको जानकारी दे रहे थे गंगापुर सिटी के सरकारी अस्पताल में कौन कौन सी वैक्सीन कहाँ पर लग रही है, आपकी समझ में आ गया होगा। और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं क्योंकि वैक्सीन ही एक उपाय है कोरोना का इलाज। और ये वैक्सीन 9 बजे से और 5 बजे तक चारों स्थानों पर लगेगी।